तो पब्लिक आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने स्मार्ट गग एमुलेटर में कोई सभी आपके पास एमुलेटर पड़ा स्मार्ट गग उसमें फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में जो है वो पिंक स्क्रीन के इशू को सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो इशू है ना ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन मैंने जितनी भी स्मार्ट गग की वीडियो बने अक्सर वीडियो में मुझसे पूछते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन बताओ। तो यार मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूं, तो मैं सारे बता दूंगा, आपने बारी बारी अप्लाई कर लेना और देख लेना कि भाई मेरे में दिक्कत आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेनली इस वजह में आता है वो ये है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। वायरस की वजह से भी आपको ये इशू देखने के लिए मिलते हैं। आपने स्मार्ट गग को फर्स्ट टाइम चला, दूसरी बार आपका नहीं चला पिंक स्क्रीन का, ये जितने भी इशू आते हैं ना ये आपके कंप्यूटर में वायरस की वजह से आते हैं। इसलिए आपको अपने कंप्यूटर को एक दफा स्कैन करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रख लो, एक दफा एंटीवायरस को इंस्टॉल करो, उसके बाद जब स्कैन कर लो कंप्यूटर को भी रन इंस्टॉल कर देना। तो मैं बेस्ट एंटीवायरस का लिंक जो है जो कि मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर टू, आपको अपने कंप्यूटर में ड्राइवर्स को अपडेट करना है, ये याद रखें। अगर ड्राइवर्स अपडेट नहीं है वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर ड्राइवर्स का पता ही नहीं है या फिर आपने ड्राइवर्स अपडेट किए काफी टाइम हो चुका है तो ये इशू आया, और आप यकीन करें ये मेरे पीसी में भी इशू आया था जब मैंने ड्राइवर्स को अपडेट किया, ये फिक्स हो गया। कैसे करना है, वीडियो बनाए हूं, ऊपर आई बटन में देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोटी सी वीडियो, यार आपका टाइम नहीं लूंगा। ये दोनों फिक्स कर लिए, उसके बाद अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं एंड वहां पर जाके मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। तो इसके लिए आपने जाना है इसकी प्रायोरिटी में, ये सेटिंग आप तब भी कर सकते हो जब आपका पिंक स्क्रीन नहीं भी आ रहा है। तो आपने जाना है कंपैटिबिलिटी में, यहाँ पर आपने विंडोज 7 सेलेक्ट करनी है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ डिसेबल फुल स्क्रीन, एंड देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मैंने ये रखी हुई सेटिंग, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अप्लाई एंड ओके। जब आप ओके करेंगे ना उसके बाद देखें आपका जो एमुलेटर ना वो ज्यादातर चांसेस है कि लॉन्च हो जाएगा। अगर लॉन्च नहीं होता तो आपने इसमें भी नंबर टू वाली ट्रिक लगानी, नंबर टू वाली ट्रिक लगानी, ये देखें मेरा स्मार्ट गग यहाँ पे चल रहा है, इसकी मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है स्मार्ट गग, ये है 7.1। पब्लिक 7.1 में ज्यादा केसेस देखे गए हैं कि ये पिंक स्क्रीन का इशू देता है, गेम में भी एंड वैसे भी। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्ट गग 1.1 यूज करें। अब 1.1 को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, ऊपर आई बटन में वीडियो बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है वो देख लेना, क्योंकि ये जो वर्जन है ना ये ज्यादातर ग्राफिक्स कार्ड को सपोर्ट नहीं करता बिकॉज इसमें एंड्रॉइड 7.1 है। अब आपने ये सारी सेटिंग कर ली, सेटिंग कर लेने के बाद अब भी आपको पिंक स्क्रीन आ रहा है भाई, 4.4 भी करके देख लिया, कंप्यूटर को स्कैन भी करके देख लिया हमने और ड्राइवर्स को भी अपडेट करके देख लिया, जो सेटिंग बताई वो भी करके देख लिया, तब भी पिंक स्क्रीन फिक्स नहीं हो रहा। आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपने जाना है इसमें, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 800 एंड 600, ये पॉसिबल लो एंड रेजोल्यूशन है, इसलिए मैं इसमें लो एंड कर रहा हूँ क्योंकि देखें हमारा सिस्टम में या तो आपके ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, होगा नहीं वो सपोर्ट नहीं कर होगा, या फिर ग्राफिक कार्ड लो एंड होगा, बहुत सारी रीजन होती है। तो इसमें हम करेंगे जब हम लो एंड वाली रेजोल्यूशन रखेंगे ना चांसेस रहेंगे कि हमारा गेम चल जाए क्योंकि ग्राफिक कार्ड के ऊपर इतना लोड नहीं पड़ेगा, तो पिंक स्क्रीन ज्यादा इसी वजह से भी आता है। एंड यहाँ पे कोर की बात करें, कोशिश करेंगे कोर को 2 पे रखें, रैम को भी 2 पे ही आपने रखना है। अब नीचे आ जाती है वर्जन, अगर आपका पिंक स्क्रीन डायरेक्टएक्स पे आ रहा है तो ओपन जीएल पे जाओ, अगर ओपन जीएल पे आ रहा है तो डायरेक्टएक्स पे जाओ। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, रिस्टार्ट नाउ, देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से आईपैड व्यू की तरह आपका ये स्मार्ट गग एमुलेटर आ जाएगा। आपको ये हैंडल करना पड़ेगा अगर आपके सिस्टम में इतनी स्पेक्स नहीं है। अब ये सारी सेटिंग कर ली, सेटिंग कर लेने के बाद मेन काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने अपने एप्स में जाना है एंड वहां से जो फ्री फायर दिया हो आपको इसको यहां से क्लियर डाटा मार, क्लियर डाटा मारने के बाद यहां से फोर स्टॉप कर दो, उसके बाद आपने फ्री फायर को लॉन्च करना है तो इंशाल्लाह आपका फ्री फायर का ब्लैक स्क्रीन पिंक स्क्रीन जितनी भी दिक्कत आती है पब्लिक वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने आपको पॉसिबल जो सोल्यूशन थे वो बता दी और हाँ एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, आपको इसके अंदर जो है वो जीएल टूल की मदद से भी आप इस दिक्कत को जी हाँ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो तब होगा। देखिए मैंने फ्री फायर को लॉन्च किया, यहाँ पे मेरा पिंक स्क्रीन आ गया, वो उन यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है। आपने जीएल टूल को डाउनलोड करना है, उससे आप इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्चेस कर सकते हो या फिर मेरी वीडियो का भी वेट कर सकते हो कि भाई उसको आप बताओ, लेकिन वो उसी के उन्हीं का फिक्स है जो कि इसको लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे पिंक स्क्रीन आना। तो वहां पर हम करेंगे क्या, फेक ग्राफिक कार्ड की फाइल को अप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से होगा कि हमारा ये इशू फिक्स हो जाएगा। पब्लिक मैं एक दो वीडियो के बाद वो वाली वीडियो बनाऊंगा, तो ज्यादा मतलब कमेंट नहीं करने के यार, उस पे वीडियोस बना दो मुझे याद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।